जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदी गृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदी गृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस महान प्रेमी पिता परमेश्वर की गाना गाकर स्तुति करने वाले हैं, इसलिए सभी जन पूरे दिल से भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 4, गाना नंबर 9, अनोखा प्यार। पन्ना नंबर 4, गाना नंबर 9, अनोखा प्यार। अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, ओ हो अनोखा प्यार। अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, ओ हो अनोखा प्यार। ये ऊंचा है कोई पहुंच नहीं सकता, ये गहरा है कोई डूब नहीं सकता, ये चौड़ा है कोई मिल नहीं सकता, ओ हो अनोखा प्यार। ये ऊंचा है कोई पहुंच नहीं सकता, ये गहरा है कोई डूब नहीं सकता, ये चौड़ा है कोई मिल नहीं सकता, ओ हो अनोखा प्यार। God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh, oh wonderful love. God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh, oh wonderful love. So you can't reach over it, so deep you can't reach under it, so wide you can't reach around it, oh, oh wonderful love. So high you can't reach over it, so deep you can't reach under it, so wide you can't reach around it, oh, oh wonderful love. Anoka प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, ओ हो अनोखा प्यार। अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, ओ हो अनोखा प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 5, गाना नंबर 10, बजा के ताली गाओ रे। पन्ना नंबर 5, गाना नंबर 10, बजा के ताली गाओ रे।
बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान निका गाओ रे, बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान निका गाओ रे, हालेलुया 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 गुण बता रहे सकल गगन यीशु के गाके गुण बता रहे हालेलुया 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 बजा के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे बजा के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे हालेलुया 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 कर गाए हम लहरों समान ही जिल मिल कर गाए हम यीशु के संदेश को आओ फैलाए हम यीशु के संदेश को आओ फैलाए हम हालेलुया 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 ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे बजा के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे हालेलुया 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 ले सितार हाथ में गाए गानों ने काम ले सितार हाथ में गाए गानों ने काम दिल दिल में आप से धन्य धन्य यीशु है दिल दिल में आप से धन्य धन्य यीशु है हालेलुया हालेलुया के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे बजा के ताली गाओ रे यीशु गान सुनाओ रे पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभेश धन्यवाद प्रभेश धन्यवाद प्रभेश धन्यवाद प्रभेश हालेलुया 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 पन्ना नंबर 8 गाना नंबर 18 तू मेरा परमात्मा पन्ना नंबर 8 गाना नंबर 18 तू मेरा परमात्मा तू मेरा परमात्मा तू मेरा आदा गाओ उठी मेरी आत्मा प्रणाम है प्रभु
प्रणाम हे प्रभु। परम पिता ने दी पवित्र रोटी तू, जिंदगी हमें दे अनंत रोटी तू। तू ही सर्वस्व है प्रभु, तू हमारे है, तेरे बिना सब बिना सहारे। भगवान अपना हमें बुलाता है, सब जग जन को गले लगाता है, प्रभु हर विपदा सदा मिटाता है, हमें सभी सुख वही दिलाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 12, गाना नंबर 27, आदि और अंत तू ही है। पन्ना नंबर 12, गाना नंबर 27, आदि और अंत तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है, तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, तू तो की स्तुति तू ही है। शुद्ध सारा जीवन मेरा पाप से भरा, जगन मेरा शुद्ध सारा, मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है, तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया।
पन्ना नंबर 41, गाना नंबर 95, प्यासा हिरण जैसे। पन्ना नंबर 41, गाना नंबर 95, प्यासा हिरण जैसे। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा जरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा जरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 2, गाना नंबर 4, स्तुति आराधना। पन्ना नंबर 2, गाना नंबर 4, स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 14, गाना नंबर 31, यीशु तू है महान। पन्ना नंबर 14, गाना नंबर 31, यीशु तू है महान। यीशु तू है महान मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान मेरे लिए है महान। मेरे लिए सबके लिए मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 47, गाना नंबर 107, आत्मा के आनंद से। पन्ना नंबर 47, गाना नंबर 107, आत्मा के आनंद से। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद
प्रभु ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से मिल मेरा वर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। जीवन जल बरसा कर तो अच्छी फसल उगाए प्रभु। आत्मा के आनंद से मिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से मिल मेरा भर दे प्रभु, मिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। वो हमें जलावे वो हमें राखे हमरे घर रहिया के उहे पूरा करे। वो हमें जलावे वो हमें राखे हमरे घर रहिया के उहे पूरा करे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। बारी विपतिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। बारी विपतिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। हमरा के कवना बाया बनाई के जीवन के प्रभु यीशु आवे संग संग। हमरा के कवना बाया बनाई के जीवन के प्रभु यीशु आवे संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नचे गाई के। महिमा गाइब
प्रभु यीशु के खुशियां मनाए बनाचे गाई के हालेलुया 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 यीशु के प्यार हवे बहुते महान हमरे गुना खातिर दे दिल जान यीशु के प्यार हवे बहुते महान हमरे गुना खातिर दे दिल जान यीशु के प्यार हवे बहुते महान हमरे गुना खातिर दे दिल जान यीशु के प्यार हवे बहुते महान हमरे गुना खातिर दे दिल जान हालेलुया 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 यीशु के लहू हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटावे लदान यीशु के लहू हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटावे लदान यीशु के लहू हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटावे लदान यीशु के लहू हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटावे लदान हालेलुया 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 यीशु के सामर्थ्य बहुते महान सैतानी बंधन के तोड़े ला जान यीशु के सामर्थ्य बहुते महान सैतानी बंधन के तोड़े ला जान यीशु के सामर्थ्य बहुते महान सैतानी बंधन के तोड़े ला जान यीशु के सामर्थ्य बहुते महान सैतानी बंधन के तोड़े ला जान हालेलुया 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 महिमा गाए प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नाचे गाए के महिमा गाए प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नाचे गाए के महिमा गाए प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नाचे गाए के महिमा गाए प्रभु यीशु के खुशियां मनाए नाचे गाए के हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभेश धन्यवाद प्रभेश धन्यवाद प्रभेश धन्यवाद प्रभेश हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अभी हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं इसलिए आप भी पूरे दिल से स्तुति आराधना में भाग ले लीजिए हालेलुया 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 हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों देखो पूरा ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाओ जिसने आपको अब तलक संभाले रखा है जिसने आपको अब तलक बचाए रखा है जो आपकी सुधि लेता है और जो आपको कभी नहीं भूलता कभी नहीं छोड़ता वो जीवित परमेश्वर आपके ऊपर और हम सब के ऊपर अमर्याद प्रेम करता है धन्यवाद उसके प्यार के बदले उसे धन्यवाद दो धन्यवाद उसकी स्तुति करो उसके नाम को ऊंचा उठाओ धन्यवाद धन्यवाद पिता धन्यवाद धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता
तूने आज तक हमें जीवित रखा है। हाँ, तेरे दया से, तेरे कृपा की वजह से हम आज तक जिंदा है। हाँ, हमारे शरीर में जो श्वास शुरू है वो तेरी देन है। हाँ, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस सुंदर पल के बदले, सुंदर क्षण के बदले हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, ओ अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, ओ अनोखा प्यार। ये ऊंचा है कोई पहुंच नहीं सकता, ये गहरा है कोई डूब नहीं सकता, ये चौड़ा है कोई मिल नहीं सकता, ओ अनोखा प्यार। ये ऊंचा है कोई पहुंच नहीं सकता, ये गहरा है कोई डूब नहीं सकता, ये चौड़ा है कोई मिल नहीं सकता, ओ अनोखा प्यार। God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love. God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love. So high you can't reach over it, so deep you can't reach under it, so wide you can't. हाँ पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं। हाँ, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तूने हमारे लिए इस सुंदर विश्व की रचना की। हाँ, तूने हम सबके लिए यह सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बनाया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरी बढ़ाई करते हैं, क्योंकि तू सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, तू सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, और इसी लिए तू जैसा कहते गया वैसा सब कुछ निर्माण होते गया। हाँ, तू इस विश्व का जीवित निर्माण करता है, तूने तेरे मुंह के शब्द के द्वारा यह सब कुछ बनाया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे महान और पवित्र सामर्थ्य के बदले तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तूने हमारे लिए सुंदर आकाश बनाया, ये चांद सितारे तूने हमारे लिए बनाए हैं, और ये सूर्य का प्रकाश तो आज भी हमें देता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। ये सुंदर पशु पक्षी जीव जंतु फूल और कलियां और सुंदर हर प्रकार के फल फूल तूने हमारे लिए बनाए हैं, ये नदियां तालाब और झरने तूने हमारे लिए बनाए हैं, ये सुंदर समुद्र और समुद्र की मछलियां तूने हमारे लिए बनाई है, इसलिए हम तुझे ऊंचा उठाते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हाँ पिता, तूने तेरे शब्द के द्वारा इस पूरे विश्व को बनाया, परंतु तू
हम पर इतना प्यार करता है कि हम तेरे नज़र में इतने उच्च हैं कि तूने हमें तेरे पवित्र हाथों से बनाया है और तू हम पर सबसे अधिक प्रेम रखता है। तेरे महान प्रेम के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें तेरे प्रतिरूप जैसा बनाया है, जैसा तू खुद है वैसा तूने हमें निर्माण किया और तेरे मुँह का श्वास तूने हमारे इस नाक में डाल दिया और तेरे श्वास के द्वारा आज भी हम जिंदा हैं, आज तक हम जिंदा हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ प्रभु, इन आँखों के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस शरीर के बदले हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे गुणगान गाते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तू प्यार है, तू प्यार है, तू हम पर प्यार करता है, तू प्यार से भरा है, तू दया से भरा है, तू करुणा से भरा है। तूने हमें ये सुंदर जीवन देकर आशीषित किया है, इस जीवन के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस शरीर के बदले हम तेरी स्तुति करते हैं, इस विश्व के बदले हम तेरी प्रशंसा करते हैं। तूने हमारे लिए ये सब कुछ बनाया है, इसीलिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे गुणगान गाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आहा, ला ला ला।
हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, हाँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हाँ, हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें तेरे आनंद से भरा हुआ है हाँ, आज जो हम जीवन जी रहे हैं वह केवल और केवल तेरी बदौलत, क्योंकि तूने हमारे जीवन में से दुखों को निकाल डाला हाँ, प्रभु, श्रापों को नष्ट किया, हर बंधन से तूने हमें मुक्त किया है, और जो हमारा पहले का पुराना जीवन था उसे तूने बदल करके तेरे राज्य में तूने हमें लाया है हाँ, प्रभु, आज हम तुझे पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं हाँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तूने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं हाँ प्रभु, तूने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं, और बिल्कुल अद्भुत रीति से तूने तेरा हाथ बढ़ा करके हमें थाम लिया प्रभु हाँ प्रभु, क्योंकि हम डूब रहे थे, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं था, और एक दिन हमारा पूरी तरह से विनाश हो जाने वाला था, परंतु तूने तेरा हाथ बढ़ाकर हमें थाम लिया हाँ, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तू ही हम पर सच्चा प्यार करता हाँ, है, तू ही हमारी देखरेख करता है हाँ, तू ही हमारी सुधि लेता है, तू ही हमारी हर जरूरत को पूरी करता है, तू हमें जीवन देने वाला जीवन दाता है, तू हम पर प्यार करने वाला हमारा पिता है, तू हमें क्षमा करने वाला प्रभु है, सचमुच तू हमारा उद्धार करने वाला उद्धारक है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू हम पर प्यार करता है, प्यार करता है, तू हमारी देखभाल करता है, देखभाल करता है, तू हमारी जरूरतों को पूरी करता है, पूरी करता है, तू हमारी सुधि लेता है, सुधि लेता है, तूने हमें तेरे आशीषों से भरा है, तूने हमें शांति दी है और तेरे आनंद से हमारे जीवन को भर डाला इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तेरी स्तुति करते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु
और अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो देखो उस प्रभु यीशु के क्रूस की ओर, उसके क्रूस की ओर देखो, क्योंकि उसका क्रूस यही हमारी आशा है, क्योंकि उसके मार खाने से हम चंगे हो गए और उसके क्रूस के ऊपर बलिदान के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। हाँ, उसी के मृत्यु के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया, उसने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्रापों को, हमारे बीमारियों को, हमारे क्लेशों को, हमारे निंदाओं को, हमारे अपमान को, हमारे बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। हाँ प्रभु, उसी के द्वारा हम बच गए। हाँ प्रभु, उसी के द्वारा हम बच गए। धन्यवाद। उसी के द्वारा हम बच गए। सचमुच प्रभु यीशु, तूने हम पर सबसे बड़ा उपकार किया। धन्यवाद। सबसे बड़ा प्यार तूने हम पर किया। धन्यवाद। कि तू हमारे खातिर स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। हाँ प्रभु। और हमारे पाप तूने अपने ऊपर ले लिए। हाँ प्रभु। हमारी निंदाएं तूने अपने ऊपर ले ली। धन्यवाद। और इसीलिए तेरे मुंह के ऊपर थूका गया। हाँ, इसीलिए तेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे गए। तेरे शरीर के ऊपर चाबुक के फटके मारे गए, क्योंकि ये सारी बुराइयां, ये सारी गंदगी तूने अपने ऊपर ले ली। हाँ प्रभु, प्रभु सचमुच तूने हम पर सबसे बड़ा प्यार किया। धन्यवाद। तेरे इस महान प्रेम के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तूने हमारे खातिर अपना लहू बहाया, अपना शरीर तूने हमारे खातिर बलिदान कर दिया। प्रभु तूने हमें बचाया है, तूने हमें ये जीवन दिया है, तूने हमें शैतान के चंगुल से छुड़ाया है, तूने हमें पापों से मुक्त किया, श्रापों से छुड़ाया, हर बंधन को तूने तोड़ डाला। प्रभु प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। 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 धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे।
और अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उस परमेश्वर के सामने आओ, आत्मा के रूप में उस परमेश्वर के सामने आओ और अपनी आत्मा की आँखों से उस परमात्मा को देखने का प्रयास करो। देखो किस प्रकार से वो वैभवशाली रूप में उसके सिंहासन पर विराजमान है। सचमुच उसने ऐश्वर्य और प्रताप का वस्त्र धारण किया है और वो इतना महान है, इतना महान परमेश्वर है कि वह स्वर्ग में विराजमान है, परंतु उसने उसके पैर इस पृथ्वी के ऊपर रखे हैं। इतना वो महान परमेश्वर है, इतना वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। इन शब्दों से हम जितनी उसकी स्तुति करेंगे उतना कम है, इसीलिए दिल से उसकी आराधना करो, दिल से उसकी उपासना करो, उसकी आराधना करो। वह जीवित प्रभु है, वह जीवित प्रभु है। उसकी ओर देखो किस प्रकार से वह प्रकाश से भरा हुआ है, उसके तेज से पूरा स्वर्ग प्रकाशमान है। उसका धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसके नाम को धन्य कहो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसे यही प्रिय है। और इसीलिए स्वर्ग में दिव्य दूत निरंतर उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि सचमुच वह स्तुति के योग्य है, वह सम्मान के योग्य है। वह हम पर बहुत प्यार करता है। वह इतना महान, इतना विशाल होते हुए भी वह इस सृष्टि में हमसे सबसे अधिक प्यार रखता है और उसकी नज़र में हमारा मूल्य सबसे अधिक है। इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान दे दी, परंतु वह निष्पाप निष्कलंक था, उसने एक भी पाप नहीं किया था, इसलिए मृत्यु उसके ऊपर सत्ता नहीं चला सकी, बल्कि उसने शैतान को उसके पैरों तले रौन डाला और तीसरे दिन वह जी उठा और आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। वो कहता है कि देखो मैं मर गया था पर अब मैं युगानुयुग जिंदा हूँ। हाँ वो प्रभु यीशु आज भी जिंदा है, आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है।
देखिए दोनों हाथ स्वर्ग की ओर ऊपर उठाइए और उसका पवित्र आत्मा उससे मांगिए, क्योंकि जो कोई उससे मांगता है वह बिना उलाहना दिए उसे बहुतायत से देता है। इसलिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलो और उसके पवित्र आत्मा को अपने दिल में बुलाओ। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आ जा, हमारे दिल में आ जा, हमारे हृदय में आ जा। मैं मेरे दिल का द्वार तेरे लिए खोलती हूँ प्रभु। आ हमारे दिल में, आ हमारे दिल में, आ हमारे दिल में, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तेरे आनंद से, तेरे स्वर्गीय शांति से, तेरे प्रेम से, तेरे संयम से हमारे दिल को भर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, उतरा हमारे बीच, उतरा हमारे बीच, तेरा प्रकाश लेकर आ, तेरे अग्नि के रूप में हमारे दिल में उतर आ। आ पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आ जा, हमारे दिल में आ जा, हमारे दिल में आ जा। पावन आत्मा आराधना खत्म हुई।
प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 2 वचन 17 मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह सुनिए। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु का बहुत भारी चेला था, बहुत प्रभावी चेला था। प्रभु यीशु के लिए उसने बहुत काम किया। प्रेरित पौलुस ने बहुत जगह जाके प्रभु यीशु के नाम का प्रचार किया और प्रभु यीशु के नाम बड़े चमत्कार दिखाए। वो प्रेरित पौलुस कलसिया को बता रहा है कि तुम्हारे विश्वास के लिए यदि मुझे मेरा लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम में जो विश्वास पैदा हुआ है वो विश्वास महत्वपूर्ण है और उस विश्वास के कारण यदि मुझे मेरा लहू बहाना पड़े, मेरा जीवन अर्पण करना पड़े, मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो लोगों में पैदा करता है। उसका काम ये की है कि लोगों के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास निर्माण करना और उस विश्वास के लिए वो बहुत मेहनत लेता है, पसीना निकालता है, यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन वो ऐसी कुछ चीज़ करता है जिसके कारण लोगों के अंदर विश्वास निर्माण होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस संसार में जो हजार समस्या हम देखते हैं उन सब समस्याओं का कारण है कि परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता जो है वो रिश्ता टूटा है। मनुष्य परमेश्वर से टूट गया है और हमारा रिश्ता टूटने के कारण हमें परमेश्वर से कुछ मिलता नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं। इसका कारण है देने वाला जो है उससे हमारा रिश्ता टूटा है। हम देखते हैं कि बीमारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के दुख बढ़ गए हैं। इसका कारण क्या है? कारण परमेश्वर से जो मिलना चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूटा है और रिश्ता क्यों टूटा है हमें मालूम है। रिश्ता पाप से टूटता है। परमेश्वर और मनुष्य के भीतर एक दीवार है, उस दीवार को हम पाप कहते हैं। जब जब हम पाप करते हैं परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें शांति चाहिए, शांति मिलती नहीं है। हमें चंगाई चाहिए, चंगाई मिलती नहीं है। हमें कुछ चाहिए, मिलता नहीं है। परमेश्वर से क्यों नहीं मिलता है? इसीलिए नहीं मिलता है कि परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटता है। समझ लीजिए, एक जवान लड़का, 25 साल का लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, लंबे कहाँ चला गया और वहाँ वो अकेला रहता है। अभी माँ बाप के जो पास जो प्रॉपर्टी है क्या वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। वहाँ पिताजी कुछ अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और यहाँ बेटा साइकिल भी नहीं चला पाता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। कारण क्या है? उसने पिताजी का घर छोड़ा है, उसने पिताजी का हाथ छोड़ा है, उसने पिताजी से रिश्ता तोड़ा है। पिताजी का उसका रिश्ता नहीं रहा है तो पिताजी की जो प्रॉपर्टी उसको कैसी मिलेगी? वैसा ही हमारा जो पिताजी है उससे हमारा रिश्ता टूटा है। जब हम पाप करते हैं परमेश्वर का हाथ छोड़ते हैं, जब हम पाप करते हैं हमारे पिताजी का हाथ छोड़ते हैं, हमारे पिताजी से हमारा रिश्ता रहता नहीं है। इस संसार की हालत बुरी क्यों हो चुकी है? इसीलिए बुरी हो चुकी है कि हमें परमेश्वर से कुछ मिलता नहीं है, जो चाहिए मिलता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारा रिश्ता टूटा है। क्यों हमारा रिश्ता टूटा है? क्योंकि हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं इसलिए परमेश्वर पिता से हमारा रिश्ता टूटा है। रिश्ता टूटा है इसलिए हमें ऊपर से कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए हमारी हालत खराब हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पिता परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहे। परमेश्वर पिता नहीं चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है कि हम उससे दूर रहे। हमारी बुरी हालत देखकर परमेश्वर पिता के दिल को आनंद नहीं होता है, दुख होता है। हम जब रोते हैं पिताजी वहां रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हमारा हमारा हमारी बुरी हालत देखकर उसे बुरा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो उसने इलाज दिया है, इसीलिए तो उसने जवाब दिया है। जवाब क्या है? जवाब यही है कि 2000 साल पहले उसने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। इसीलिए भेजा कि मनुष्य और परमेश्वर वापिस एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, एक लड़का अपने पिताजी को छोड़ के कहां लंबा लंबा आया है, और वो जो लंबा आया है उसको कुछ मिलता नहीं है, वो बुरी हालत में है। ऐसी अवस्था में उसको एक आदमी मिलता है और वो पूछता है, अरे तुम यहां, तुम्हारा नाम सतीश? हाँ, मेरा नाम सतीश। अरे तुम्हारे तुम्हारा पिताजी वो परमानंद? हाँ हाँ। अरे वो तो मेरा दोस्त है। ऐसी हालत तुम्हारी? तुम्हारे पिताजी के पास कार है और तुम पैदल चल रहे हो? ओ बेटा ऐसा करता है, अरे बोलो ना क्या हो गया? मैंने पिताजी को छोड़ा है, 6 महीना हो गया। अरे क्या कर रहा है? तुम्हारे पिताजी के पास कार है, सब कुछ है, पिताजी को छोड़ के यहां आया और अभी ये पैदल चल रहा है? किसी को मालूम हो जाएगा तुम परमानंद का बेटा है तो वो क्या लगेगा? चलो 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 चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूं पिताजी के पास। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूं पिताजी के पास, तुम्हारे पिताजी तो मेरा दोस्त है। वो आदमी उस सतीश नाम के जवान लड़के को अपने पिताजी के पास लेके जाता है, परमानंद के पास। यही काम यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। यीशु मसीह को पिताजी ने भेजा, वो आया, बोलते क्या अवस्था हो गई है दुनिया की, क्या कंडीशन हो गई है, क्या हालत हो गई है दुनिया की? मैं तुम्हें पिता के पास लेके जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें परमेश्वर पिता के पास लेके जाता हूं, मेरे साथ चलो। यदि आप यीशु मसीह का हाथ पकड़ेंगे, यीशु मसीह आपको पिता के पास लेके जाता है और परमेश्वर और मनुष्य एक हो जाता है। हालेलुया। जिस वक्त ये सतीश नाम का लड़का अपने पिताजी के घर जाएगा, थोड़ी ही देर में चाबी लेगा, कार से जाएगा। यहां तो साइकिल भी चला नहीं पाता था, लेकिन अपने पिता के घर जाने के बाद पिताजी की कार जो है उसकी कार है, पिताजी के पास जो कुछ है उसका है। एक बार हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ा, हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, और पिता के पास जाने के बाद पिताजी का जो कुछ है वो हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास रखते हैं तब हमें हमारा पिताजी से मिलन होता है, हम पिताजी से एक हो जाते हैं और हमें सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखना पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। विश्वास रखने के बाद हम परमेश्वर पिता के गोद में जाते हैं, गोद में जाने के बाद सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, वो उसका इकलौता पुत्र है, उस पर विश्वास करने के बाद हम परमेश्वर पिता के गोद में जाते हैं। परमेश्वर पिता के गोद में जाने के बाद सब चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिलती है। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कह रहा है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं मेरा बलिदान करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास पैदा होना चाहिए, तुम लोगों ने कहना चाहिए मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। जब आप बोलेंगे तभी तब मुझे आनंद हो जाएगा, वो उसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, प्रेरित पौलुस कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है परमेश्वर के राज का दरवाजा है, विश्वास के द्वारा ही हम अंदर जाते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता से हो जाता है, हम उसके पुत्र बन जाते हैं, कन्या बन जाते हैं। जब तक हम बाहर रहते हैं उसके पुत्र नहीं है, क्योंकि हमने घर छोड़ा है। जब हम वापिस आते हैं और पिता के गोद में जाते हैं, तब हम सच्चे पुत्र बन जाते हैं, सच्चा कन्या बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस लड़के ने अपने पिता को छोड़ा है, वो जो बाहर रहता है, उसको पुत्र कैसा कहा जा सकता है? उसको पुत्र जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। पिताजी का घर लंबा है, पिताजी की प्रॉपर्टी लंबी है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे हमारी अवस्था हो चुकी है, परमेश्वर ने हमें निर्माण तो किया है, लेकिन हमने परमेश्वर का घर छोड़ा है, तो परमेश्वर का जो कुछ हमें मिलता नहीं है। तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है, कन्या नहीं है। जब हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ के परमेश्वर पिता के घर वापिस जाते हैं, तब हम फिर से पुत्र बन जाते हैं, कन्या बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर सब चीजें हमें मिलती है, जो चीजें परमेश्वर पिता के पास है वो हमारी है। पिताजी की संपत्ति हमारी संपत्ति है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा पिता है, और हमारा हम बोलेंगे डैडी है, पापा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम में विश्वास निर्माण करने के लिए मैं खून भी बहाने के लिए तैयार हूं, तुम में विश्वास निर्माण करने के लिए मैं मेरा जीवन देने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास निर्माण होना चाहिए। इस संसार में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? लोग समझते हैं जमीन लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं मकान बनाना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं कार लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं बाहर के देश जाना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं कॉलेज की डिग्री लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं डॉक्टर होना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं तबीयत मजबूत करना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं धनवान होना महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब चीजें आपको दी जाएगी, ऑटोमेटिकली मिलेगी। क्या चाहिए आपके पास, क्या महत्वपूर्ण है? आपका परमेश्वर से रिश्ता स्थापन होना, निर्माण होना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के गोद में जाना महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के साथ रहना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर पाना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के प्यार को हासिल करना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर से रिश्ता स्थापन करना, यही हमारा जीवन है। क्योंकि एक बार हमारा परमेश्वर से रिश्ता हो गया तो सब चीजें हमें दी जाएगी। हालेलुया। मुझे बताइए, एक मकान है, उसमें इतना सा बेटा है, वो बेटा जाता है टीवी ऑन करता है, फिर वो बेटा अंदर जाता है, कुछ खाना है वो खाता है, वो बेटा कुर्सी में जाके बैठता है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एक मकान है, उसमें इतना सा बेटा है, 10 साल का बेटा है, वो टीवी शुरू करता है, वो किचन में जाके चाय पीता है, वो कुर्सी पर बैठता है, वो बेड पर सोता है। उस मकान के अंदर वो बेटा कुछ भी करता है, क्यों? वो मकान में उसको सब कुछ फ्री है, बराबर। वो मकान के मालिक का वो बेटा है, वो मकान में कुर्सी पर बैठ सकता है, बेड पर लेट सकता है, टीवी शुरू कर सकता है, चाय पी सकता है, बराबर। वो मकान के बाहर रास्ते पे एक बेटा है, क्या वो अंदर आके टीवी शुरू कर सकता है? नहीं। मकान के बाहर रास्ते पे जो बेटा है, क्या वो अंदर आकर किचन में से चाय ले सकता है? नहीं।
वो भी लड़का है लेकिन वो मालिक का लड़का नहीं है, घर के मालिक का लड़का नहीं है, इसीलिए वो अंदर आके टीवी नहीं शुरू कर सकता है, चाय नहीं ले सकता है। हम लोग बाहर है, हम मालिक के घर वापिस आना चाहिए। यीशु मसीह हमको मालिक के घर वापिस लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, अरे अरे रास्ते पे क्या कर रहे हो, रास्ते पे क्या कर रहे हो, चलो चलो मेरे साथ तुम्हारे पिताजी के घर। हाथ पकड़ा, अंदर लाया। अंदर लाने के बाद लड़का बैठता है, टीवी शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये काम यीशु मसीह ने किया है। हमारा पिता पिता से रिश्ता फिर से स्थापन करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बलिदान इसीलिए है कि हम पिता के गोद में वापिस जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस बता रहा है कि तुम में विश्वास निर्माण होना चाहिए, तुम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए, इसलिए मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि तुम जब विश्वास प्राप्त करोगे तब तुम्हें सब कुछ चीजें मिलेगी, जीवन मिलेगा, हर चीज दी जाएगी। जो परमेश्वर पिता के पास वापिस लौटा है उसके लिए कौन सी भी चीज कम नहीं गिरेगी। ये संसार उल्टे रास्ते से जा रहा है, ये संसार परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है, लेकिन सब चीजें खुद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चीजें हासिल करने की कोशिश मत करो, क्या करो, पिता के पास वापिस लौटो। हालेलुया। एक बहुत खूबसूरत कहानी मैंने पढ़ी है, ये कहानी बताती है यीशु मसीह का काम कैसा है। सुनो, एक आदमी था, बड़ा श्रीमंत आदमी था, उसका बेटा मिलिट्री में काम करता था, और एक दिन वो बेटा मर गया, मिलिट्री में मर गया। उस बेटे का एक दोस्त था, उस दोस्त ने कहा कि बेटे के पिताजी को कहा कि तुम्हारा बेटा मेरा दोस्त था, मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे बेटे की अच्छी एक तस्वीर बनाए, चित्र निकाले। उसने एक बहुत अच्छा पेंटिंग निकाला और इतना अच्छा निकाला कि जैसे कि जैसा फोटो निकाला है, और वो पिताजी ने अपने बेटे की बहुत बड़ी ऐसी तस्वीर की फ्रेम बनाई और वो फ्रेम ऐसी रखी अपने घर में। उस आदमी के पास दूसरी भी बहुत तस्वीरें थी, नेचुरल सीन्स, समुद्र, पहाड़, अच्छे अच्छे सीन्स थे। एक दिन उसके मन में आया कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, ये सब तस्वीरें कहाँ जाएंगी, इसलिए मैं उनका ऑक्शन कर रहा हूँ, ऑक्शन करने यानी बेच रहा हूँ। और बेचने के लिए उसने एक दिन नियुक्त किया, सब अमीर लोग आ गए वो पेंटिंग खरीदने के लिए। ये आदमी ने कहा, ये जो पहली तस्वीर है ये मेरे बेटे की तस्वीर है, ये तस्वीर मैं बेचना चाहता हूँ। फिर ये जो तस्वीर है नेचुरल सीन्स है, सब नदी, पहाड़, अच्छे अच्छे सीन्स है, तो मेरे बेटे की तस्वीर किसको चाहिए और क्या कीमत आप देना चाहते हैं। सब अमीर लोगों ने कहा, हमें तुम्हारे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए, हमें क्या फायदा है, तुम्हारे बेटे की तस्वीर हमारे घर रख के हमें क्या फायदा है, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, वो नेचुरल सीन्स चाहिए। उसके लिए कितना पैसा चाहिए बोलो। वो श्रीमंत आदमी नाखुश हो गया, नाराज हो गया, कोई मेरे बेटे की तस्वीर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसने पूछा, मैं आखिर एक बार पूछ रहा हूं, है कोई आप में जो मेरे बेटे की तस्वीर खरीद करना चाहता है। उस वक्त सब लोगों में से एक ने हाथ ऊपर किया, वो बोलता है, मैं आपके बेटे की तस्वीर खरीदना चाहता हूं। बोलता, कितना डॉलर देंगे तुम। बाकी सब तस्वीरें थी वो $1,00,000, $2,00,000 ऐसी कीमत की थी। वो आदमी ने कहा, तुम्हारे बेटे की तस्वीर के लिए मैं $100 देना चाहता हूँ, एकदम कम ही कम कीमत है। लेकिन बाकी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी आदमी खरीदने के लिए तैयार नहीं था, एक ही आदमी तैयार हो गया। उसने कहा, मैं $100 दे रहा हूँ। वो आदमी बोलता है, ठीक है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुम खरीदने के लिए तैयार हो, ये मेरे बेटे की तस्वीर,
मैं तुम्हें $100 में दे रहा हूं और बाकी सब तस्वीरें इसके साथ फ्री दे रहा हूं। वो जो अमीर लोग बैठे थे वो बाकी तस्वीरें खरीदने के लिए आए थे, वो देखने लगे, वो बोलते हमको खरीदनी थी, वो बोलते खरीदने की बात नहीं, ये सब तस्वीरें फोकट में उसको मैंने दी है, आपको नहीं मिल सकती है, ये सब तस्वीरें मैंने ये आदमी को फोकट दी है क्योंकि उसने मेरे बेटे की तस्वीर खरीद ली है। तुम्हें मेरे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए थी, तुम्हें मेरे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए थी, लेकिन ये आदमी ने मेरे बेटे की तस्वीर खरीद ली है, इसलिए सब तस्वीरें उसको फ्री में मैंने दी है। ऑक्शन खत्म हो गया, आप घर जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बात हो गई है। पेड़ किसके मालिक के है? परमेश्वर के। नदियां किसकी है? परमेश्वर की। फल किसके है? परमेश्वर के। सब संसार की दौलत संपत्ति किसकी है? परमेश्वर की। ये संपत्ति हासिल करने के लिए दुनिया कोशिश कर रही है। परमेश्वर कहता है मेरा पुत्र है और संपत्ति है, आपको क्या चाहिए? जो लोग कहते हैं हमें पुत्र चाहिए, परमेश्वर कहता है पुत्र के साथ ये सब फ्री में दिया जाएगा। आपको यीशु मसीह चाहिए, परमेश्वर का पुत्र चाहिए, उसके साथ बाकी सब परमेश्वर की प्रॉपर्टी फ्री। हालेलुया। लेकिन दुनिया क्या कहती है? हमें तुम्हारा पुत्र नहीं चाहिए, हमें दुनिया की प्रॉपर्टी चाहिए। वो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए हैं, प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे पुत्र को लेने वाले को मैं प्रॉपर्टी फ्री देता हूं। हालेलुया। जो यीशु मसीह को स्वीकारता है उसको परमेश्वर की सब प्रॉपर्टी फ्री में दी जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास है बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह पर विश्वास मिलने के बाद हमें सब कुछ फ्री मिलता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर विश्वास निर्माण करना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं यदि आपको विश्वास देता हूं तो आपको विश्वास के द्वारा सब संपत्ति मिलने वाली है। मैं आपको संपत्ति नहीं बांट रहा हूं, संपत्ति बांटने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा आपको संपत्ति मिलेगी। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर खुद देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं आपको विश्वास देता हूं, वो विश्वास जो है दरवाजा है, उसके अंदर से आप जाएंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, उसके द्वारा आपको परमेश्वर की संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। विश्वास प्राप्त होना जरूरी है। प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हें विश्वास देने के लिए मैं मेरा खून भी बहाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, जान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि विश्वास सब कुछ है। यदि विश्वास है तो परमेश्वर की संपत्ति मिलेगी, परमेश्वर के आशीष मिलेंगे, इतना ही नहीं मरने के बाद सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वसई से बहन श्यामा गायकवाड़ लिख रही है कि 1 अगस्त से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उन्हें बुखार, सर्दी, खांसी और बदन दर्द हुआ था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और सांस इतनी अटक जाती थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जान निकल जाएगी। उन्हें ठीक से ना खाना जा रहा था, ना नींद लग रही थी, लगातार चक्कर आ रही थी। उनका पेट एकदम खाली जैसा लग रहा था और बाएं बाजू सोने नहीं जम रहा था। वे YouTube पर हर दिन प्रार्थना देखते रहे,
14 अगस्त के दिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा में चंगाई की प्रार्थना के दौरान ब्रदर ने कहा कि अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। तब उन्होंने पूरे विश्वास से सीने पे हाथ रखा। उसी समय प्रभु यीशु की महान दया उनके ऊपर हो गई, उनकी सारी परेशानी निकल गई। प्रभु ने उनको अच्छा किया, इसलिए ये बहन प्रभु को धन्यवाद देती है। वसई से भाई संजय यादव बता रहे हैं कि एक सप्ताह से उनकी औरत को भारी कमर दर्द था, जिस वजह से उन्हें उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उनकी पत्नी फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हर शुक्रवार वो यूट्यूब पर प्रार्थना देखती रही। कमर दर्द से छुटकारा मिलने के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करती रही और प्रभु यीशु की कृपा से उनका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। पालघर से बहन चेतना गोवारी लिख रही है कि 4 जुलाई से अचानक उन्हें कुछ शारीरिक परेशानी होने लगी। 1.5 महीना तक उनकी परेशानी शुरू थी, जिसके कारण वो कमज़ोर हो गई थी। पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इस बीमारी के कारण वो बहुत तंग हो चुकी थी। उनके एक रिश्तेदार के कहने के अनुसार उन्होंने यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रार्थना देखना शुरू किया। उसके द्वारा प्रभु यीशु ने उन्हें स्पर्श किया और उनकी तकलीफ पूरी तरह से निकल गई। अभी वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही है। और अभी हम चंगाई की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। अपने आँखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। मन करे
तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का स्वागत करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम गाना लेंगे। और अभी अपना पूरा दिल प्रभु यीशु की ओर लगाओ, मन के सारे विचारों को दूर कर दो, पूरा दिल प्रभु की ओर लगाओ। आप जहां है वहां प्रभु आपके नजदीक खड़ा है, पूरे दिल से उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है, अनंत जीवन वो ही दे सकता है। पूरे दिल से उस पर विश्वास करो। और अभी याद करो आपके दिल में किसके लिए गुस्सा है, आप किससे नफरत करते हैं, किससे बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है, उनको क्षमा करो। हर दुश्मन की याद करो और उनको क्षमा करो, क्षमा करो, ये प्रभु की आज्ञा है।
ये प्रभु की आज्ञा है कि हमें हर दुश्मन को क्षमा करनी चाहिए। क्षमा करो, सबको क्षमा करो जिन्होंने आपको सताया है, आपका नुकसान किया है, आपको तकलीफ दी है। सबको क्षमा करो। यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपके पापों की प्रभु आपको क्षमा करेगा। क्षमा करो। टच टच। और अभी तुम्हारे पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। प्रभु के सामने नम्र बन जाओ और सारे पापों को कबूल करो। प्रभु के सामने सारे पापों को कबूल करो। अपने पापों को छिपाने की कोशिश मत करो। जो पापों को कबूल करते हैं उन पर स्वर्ग से अनुग्रह होता है, परमेश्वर की दया उनके ऊपर हो जाती है। आपने चोरी की होगी, झूठ बोला होगा, व्यभिचार किया होगा, किसी की हत्या की होगी, रिश्वत दी होगी, रिश्वत ली होगी, आपके दिल में अहंकार होगा, दिल में स्वार्थ होगा, कबूल करो। मन में आए हुए सारे गलत विचार, आंखों से जो भी गलत देखा है, अपनी जबान से जो भी गलत बोल दिया है, कबूल करो। जो पाप कबूल करते हैं उन पर स्वर्ग से दया हो जाती है। इसलिए अपने पापों को छिपाना नहीं, कबूल करो। नम्रता से कहो, प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। टच टच। और अभी अपने पापों के लिए दिल से पश्चाताप करो, आंसू बहाओ। जो पाप आपने किए हैं उनके लिए खुद को बुरा लगना चाहिए। हमने स्वर्ग के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं। दिल से पश्चाताप करो। हमें अपने पापों के लिए अफसोस होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। प्रभु से कहो, हाँ प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं महापापी हूँ, मेरे पापों के लिए मुझे दुख हो रहा है। एक सच्चे दिल से पश्चाताप करो। और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। हमारे पापों को उसने उठाया, हमारा बोझ उसने उठाया, और वो हमारे लिए क्रूस पर तड़प रहा था। प्रभु के उस क्रूस की ओर देखो, जिस पर उसने उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है, जिस पर वो हमारे लिए तड़प रहा था। देखो प्रभु के क्रूस की ओर, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और उसे पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, प्रभु दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। भैला कुर्बान
और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इससे क्षण उन्हें छोड़कर निकल जाओ और उनमें वापस नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी परेशानी संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से शिक्षण निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, और इसी समय जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आप आशीष लेना चाहते हैं, तो उनको हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पापक क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। यदि आप आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो।
हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर, इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया।